Hi friend, welcome to free tips and tricks for mobile, PC, laptop, technology and jobs. First of all, thanks to all my viewers and subscribers because you always subscribe, you always comment, you always give good respect to me. That's why before I start the videos, I thanks to all of you. So today is my subject about New Zealand immigration. New Zealand, if अगर आप जो है New Zealand जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी जो है आप working जो है visa के लिए आप जो है वहाँ जा सकते हैं, क्या क्या जो इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वहाँ के लिए चल रहे हैं वो आज अपनी इस वीडियो में मैंने बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के थ्रू आप जो है वहाँ जा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन को जो है आप कैसे जो है वहाँ माइग्रेट हो सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपको बताया न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो यहाँ पर जो है आपको जाने के लिए सबसे पहली तो चीज़ मैं बता दूंगा, अगर आपको वहाँ वर्क के लिए जाना है या वो माइग्रेट होना है तो आपको एटलीस्ट 6 to 6.5 जो है बैंड आपके होने चाहिए आइल्स के। इसके बगैर आपको ये समझ लीजिएगा कोई आपको इस तरीके से बोल रहा है कि जो है विदाउट आइल्स या जो है कम बैंड, इससे कम बैंड में बोल रहा है, तो आप उस पर ज़रा सा भी टच ना करें और उसको ज़रा सा भी फॉलो ना करें, क्योंकि बाद में फिर उसकी वजह से और जो कंसल्टेंट होते हैं और जो जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो सब जो है उनकी थ्रू जो उनके जो है चक्कर में आके वो लोग भी जो है बुरे हो जाते हैं। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको ये बोले कि हाँ भाई हम जो है विदाउट आइल्स आपको वहाँ भेज देंगे या जो है इतने बैंड में, इससे कम वाले बैंड वाले जो है इस चीज़ को अप्लाई ना करें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो आपको एटलीस्ट 6.5 या 6 बैंड आपको जो है चाहिए, एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, दोनों में, ठीक है। तो अब उसके मैं प्रोग्राम बता दूँ किस कैसे कैसे आप जो है वहाँ जा सकते हैं। 6 से 7 तरीके हैं जैसे कि आप जा सकते हैं वहाँ पर माइग्रेट हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है, इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर मैं आपको बता भी दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं, मैं बता देता हूँ वीडियो में, migration.nz, ठीक है। ये वेबसाइट आप लिख लें इसको, या चाहे तो लिख लें आप, या जो है मैं आपको जो है इस पर आपको दिखा दूंगा इसको, immigration.nz। तो इसको आप क्या कर लें, इसको राइट डाउन कर लें, मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको इस पर पता नहीं चलेगा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं वीडियो बना करके इस पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है आप इस चाहे से राइट डाउन भी कर लें जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें सबसे पहले यह है कि आपको जो है वहाँ पर जो है स्किल वर्कर, अगर आपके पास कोई स्किल है, ऐसी स्किल है जिसमें आपने बहुत अच्छी जो आपका टैलेंट है उस चीज़ को आप जो है जो मैंने वेबसाइट बताई इस पर जाकर के अगर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके वहाँ वैकेंसी है तो आप अप्लाई करके वर्क परमिट ले सकते हैं वहाँ का। तो ये जो है ये जो मैंने बताया स्किल वाला, ये जो है ऑलवेज खुला रहता है, ये जो है इसमें कभी भी बंद नहीं रहता, लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस होता है, ये जो है खुला ही रहता है, कभी भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज इसमें जो है इसमें आता है स्पाउस, स्पाउस वीजा में यह है कि अगर आप वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो अपने आप किसी जैसे स्पाइस को जो आप पे डिपेंडेंट है उनको बुला सकते हैं और उनको बुला करके वो लोग वो क्या है वहाँ, जैसे अगर आपके पेरेंट्स हो गए या आपकी वाइफ हो गई, कोई भी मतलब स्पाउस हैं आपके डिपेंडेंट है, वो आप वहाँ पर आपको आपके साथ रह सकते हैं और रह करके वो भी आपके साथ जो है जितने दिन आप जो है रहेंगे वहाँ स्टडी के लिए आप जो है वहाँ पर उनके साथ रह सकते हैं। ये स्पाउस वाली वीज़ा होती है, इस पर भी जो है जा सकते हैं, ठीक है। और ये जितने दिन आप स्टडी करेंगे वहाँ पर उनके साथ रह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी बिजनेस के पर्पज़ से, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो बिजनेस की वीज़ा जो है 3 मंथ्स की मिलती है, 3 मंथ्स के लिए आप जो है वहाँ विजिट कर सकते हैं। और हाँ एक बार बता दूंगा जो ये स्पाउस की जो भी मैंने बात बताई थी, स्पाउस में ये है कि वो वहाँ पर जो है वर्क भी कर सकते हैं, मतलब जैसे उन्होंने बुलाया उनको वहाँ पर वो जो है वर्क भी कर सकते हैं वहाँ पर। तीसरी चीज़ जो है टूरिस्ट है, टूरिस्ट पे आप जो है वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं, टूरिस्ट के पर्पज़ से 3 मंथ्स की वो वीज़ा मिलती है, आप वहाँ जा करके जो है उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगर चाहे तो आप, ठीक है। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है आपके जो पोस्ट स्टडी, पोस्ट स्टडी अगर आपने वो इस तरीके है से अगर आपने वहाँ से पोस्ट प्रोग्राम कोई किया है तो आपको जो है वहाँ के जो है आपको वहाँ की वीज़ा मिल जाती है। अगर वहाँ से आपने कोई कोर्स किया है, पोस्ट स्टडी प्रोग्राम किया है तो आपको वहाँ की जो है वीज़ा इजी वे में मिल जाती है। तो वो प्रोग्राम भी इसलिए उनके लिए है जिन्होंने वहाँ से स्टडी की है, तो उनको इजी वे में मिल जाती है और 2 साल बाद, 1 या 2 साल बाद वहाँ की जो है PR मिल जाती है। वो PR मिलने के बाद फिर जो है वहाँ पर आप जो है और दूसरी कंट्री भी इजी वे में मूव हो सकते हैं। तो ये और एक पांचवा तरीका जो है वो ये है कि इसमें जो है आपको जैसे आपको कोई वहाँ पर हैं
कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो आपको जो है बुला सकते हैं, अगर अपने जो है स्पॉन्सर करके आपको वहाँ पर बुला सकते हैं वो, अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव हैं वो आपको वहाँ पर बुला सकते हैं वो भी इसमें यह है कि आपको वहाँ जाकर के आप वर्क कर सकते हैं, वर्क करने की वहाँ कोई कमी नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी जो है कैरियर बनाने की जगह है। मैंने जो है वैसे स्टडी प्रोसेस भी बताया है, अब कैसे स्टडी का क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैंने दूसरी वीडियो में बताया, वो इसमें देखिएगा आप, मैंने जो है पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। छठी चीज जो है उसमें, सातवीं चीज जो है मैं बताया था, इसमें सिल्वर फॉर्म है। एक सिल्वर फॉर्म में यह है कि ये जो है नवंबर में ये जो है वीजा निकलती है, नवंबर में निकलने के बाद ये आपको 9 मंथ का जो है आपको वीजा मिलता है, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी हाईएस्ट मतलब क्वालिफिकेशन अच्छी है, इंग्लिश पावर अच्छी है, 6.5 आपके जो है आइल्स में होने चाहिए, एकेडमिक हो या जनरल हो, तो उसमें 6.5 आपके जो है होने चाहिए उसमें, तो ये उन लोगों के लिए सिल्वर जो है फॉर्म है, ये उन लोगों के लिए जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है और जो है अच्छे जो है उनके मार्क्स हैं उन लोगों के लिए है। ये नवंबर में निकलती है, ये भी जो है आपकी लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये इसमें पहले 9 मंथ की आपको वीजा मिल 9 मंथ की जो है वीजा मिलती है, फिर उसके बाद जो है एक्सटेंड हो जाती है, अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उसमें जो है एक्सटेंड हो जाती है। तो ये मैंने जो है 6 से 7 तरीके आपके सामने रख दिए, जो कि तरीके यही हैं। इसके अलावा अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि ऐसे कर देंगे इतने मेंट पर आपको ले जाएंगे, तो उनको जरा सा भी बिलीव ना करें, और जरा सा भी जो है उनके चक्कर में आके दूसरे लोगों को भी जो है वो नाम बदनाम करते हैं, तो उनका जो है जरा सा भी आप बिलीव ना करें और उनको जो है फॉलो ना करें जरा से। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैंने कहा आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से रिलेटेड आज बता दूं इसमें, कि अगर ये 6 से 7 तरीके हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे, मैं जो हूँ आपको जो है डिटेल में और बता दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या वीजा फीस चार्जेस हैं, वो सब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में बताना जो है मुमकिन नहीं है। आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीज़ा फीस स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करते हैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप चाहिए तो मैं वीडियो बना करके जो वेबसाइट बताई मैंने इस पर वो बना करके भी आपको सेंड कर दूंगा, और आपसे फॉर्म फिलअप नहीं होगा उसमें भी जो आपकी आई विल हेल्प यू। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है बेझिझक व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको और जो है ज़्यादा जो है हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, और आपने देखिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ जो रेड कलर का जो बटन आ रहा है इसे क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेशन वाली, वो आप तक ईजी में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ वो आप तक ईजी में मिल जाएगी। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो है सब्सक्राइब्स का जो बटन है इसे क्लिक करने का फ़ायदा आपको यही है कि मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी वो आप तक मिल जाएगी। तो आई होप आप ऐसा करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों, तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ऐसी आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।